ना कैसे होता है। चलिए जरा ध्यान दीजिए। आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करना चाहेंगे। आज हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसका लास्ट चैप्टर बचा हुआ 5, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए जरा ध्यान देते हैं एक बार। लास्ट चैप्टर ये फिरकीन से रिलेटेड है और तो सीधे हम लोग चलते हैं और केवल इसमें 26 सेक्शन जो थे तो यहाँ पर चैप्टर जो 5 है वो 23 से लेकर के 26 तक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 23 पर एक नजर डालिए। नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगा जिन्हें वह अपने राज्य क्षेत्र के भीतर विशेष न्यायालयों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे। कौन बना सकेगा? हाईकोर्ट। और कार्य की जिस क्षेत्र में हाईकोर्ट स्थित है, जो उसकी ज्यूरिडिक्शन है, उस राज्य क्षेत्र के भीतर विशेष न्यायालय के संबंध में उसे क्रियान्वित करने के लिए यहां पर क्या बना सकते हैं? ये नियम बना सकते हैं, जैसे कि आप देख पाए। तो सेक्शन 23 में ये क्वेश्चन इसके कई बार पूछा जाता है, सीआरपीसी वगैरह का जो क्वेश्चन है 482 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो आप पढ़ते हैं उसमें, तो यहां पर भी सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालय के संबंध में नियम बनाने की पावर दी गई। तो इस सेक्शन को थोड़ा सा बीआईपी कर लीजिए, क्योंकि कई बार आप इसमें देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 24 पर एक नजर डालते हैं। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। कोई जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने की शक्ति सेक्शन 24 में। सबक्लोज फर्स्ट पर एक नजर डालिए। यदि अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, कौन सा अधिनियम जो आप ये पढ़ रहे हैं, कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं? जैसे कि देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। तो कहा गया कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, मीन्स इस एक्ट को कोई ओवरराइड ना करे, ऐसे नियम बना सकें और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहां से, कठिनाइयों को दूर करने के लिए सेक्शन आप 24 पढ़ रहे हैं सबक्लोज फर्स्ट, तो कहा गया कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, कौन सी सरकार बना सकती है यहाँ पर? केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, ऐसे उपबंध कर सकेंगे जो इस एक्ट को ओवरराइड ना करें और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। तो देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड इसमें दिया है, टाइम पीरियड को थोड़ा सा देखिए क्या करें। परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश
इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा, 2 वर्ष से पहले ही करना होगा। कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, एक बार जल्दी से बोलकर बता दीजिए। सेक्शन 24 और सब क्लोज फर्स्ट, और इसका ये परंतु, परंतु में यहाँ टाइम दिया गया कि 2 वर्ष की अगर समाप्ति हो जाती फिर कोई आदेश नहीं, 2 वर्ष की समाप्ति से पहले पहले होना चाहिए। सब क्लोज नंबर 2 पर एक नजर डालिए। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। अगर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा किया जाता तो संसद के पहले समक्ष रखा जाएगा यथाशीघ्र, और प्रत्येक सदन, तो प्रत्येक सदन आप समझते हैं एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा की बात करें तो दोनों सदन में ये रखा जाएगा, और फिर जैसा वो डिसाइड करें आगे लोकसभा और राज्यसभा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, देखिए प्रोसेस वही है, 2/3 मेजोरिटी किसी भी काम को पास करने के लिए तभी माना जाता है जब 2/3 मेजोरिटी उसे पास कर दे। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 को, जो कि मिसलेनियस है, और सेक्शन 23 पर एक नजर डालते हैं। पावर ऑफ हाईकोर्ट टू मीट रूल। द हाईकोर्ट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। कौन कर सकता है, हाईकोर्ट नोटिफिकेशन निकालें किसमें, ऑफिशियल गजट में, मेक सच रूल एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द स्पेशल कोर्ट विद इन इट्स टेरिटरी। हाईकोर्ट का जो जुरिडिक्शन है, जो टेरिटरी है, और स्पेशल कोर्ट को इससे रिलेटेड, स्पेशल कोर्ट को चालू रखने के लिए और वहां पर जो रूल्स हैं उनको एप्लीकेबल करने के लिए, इस एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड कौन रूल्स बना सकता है, यहाँ पर हाईकोर्ट। तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं सीधे हेडिंग में भी, पावर ऑफ हाईकोर्ट टू मेक रूल, और कैसे बनाएंगे, हाईकोर्ट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा, कहां पर निकाला जाएगा, ऑफिशियल गजट के बजट में। इसके बाद वो उसमें जो रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं उनको, और एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो यहाँ हाईकोर्ट को ये पावर दी गई सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इतना क्लियर है गाइस, एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। हेलो, यस सर। सेक्शन 24 पर एक नजर डालिए। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, जो डिफिकल्टीज हैं उनको रिमूव करने की पावर किसको है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पढ़ रहे हैं सेक्शन 24 सब क्लोज फर्स्ट, इफ एनी डिफिकल्टीज अराइज इन गिविंग अफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट। कौन कर सकता है, देखिए वहां रूल्स बनाने की बात थी तो सेक्शन 23 में हाईकोर्ट को किया गया, और यहां पर बात की गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये भी क्या करेंगे, बाय ऑर्डर पब्लिश इन ऑफिशियल गजट, मेक सच प्रोविजन नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट से असंगत ना हो, इस एक्ट को ओवरराइड ना करते, ऐसे रूल बना सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, एज मे अपियर टू इट टू बी नेसेसरी और एक्सपेंडियंट फॉर रिमूविंग द डिफिकल्टीज, अगर उन्हें लगता है कि ऐसे रूल या ऐसे ऑर्डर देना चाहिए जिससे वो डिफिकल्टीज कम हो जाए और इस एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, तो अगला जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 years।
तो टी और क्या यहाँ पर बाउंडेशन है कि जब एक्ट जो एप्लीकेबल हुआ उसके 2 years के बाद नहीं बनाया जाएगा फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, जैसा कि ये लिखा हुआ इस टाइम प्रोवाइडेड एक्ट में। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 24 सब क्लोज फर्स्ट, सब क्लोज 2 पर एक नजर डालिए। एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेट एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा कोई भी अगर आदेश दिया जाता है तो कहां रखा जाएगा वो, पार्लियामेंट के, कहां पर रखा जाएगा, पार्लियामेंट के प्रत्येक सदन में। अब जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 25 पर एक नजर डालते हैं। पावर टू मेक रूल्स, रूल्स बनाने की शक्ति किसको है। क्लोज नंबर फर्स्ट पर एक नजर डालिए, सेक्शन आप 25 पढ़ रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए जिन रूल्स की आवश्यकता हो कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा सेक्शन में पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन 25 और सब क्लोज फर्स्ट। अब यहां पर ज्यादा ध्यान दीजिए सब क्लोज 2 पर। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी टू द फोर गोइंग पावर्स सच रूल्स में प्रोवाइडेड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली कौन कौन से मैटर्स पर रूल्स बनाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर ए और बी दो सब क्लोज दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 25 सब क्लोज 2 और 2 का ए। वैसे ये सेक्शन 25 सब क्लोज 2 एंड 2 का बी। तो देखिए ये हो गया, आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। द मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द एजेंसी अंडर सेक्शन 5। इस मैटर पर सेकेंड जरा ध्यान दीजिएगा। एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब, बी में कोई भी ऐसे अदर मैटर है विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब, जिनको प्रेस्क्राइब किया जाए या भेद किया जाए, कभी एड कर दिया जाए तो मैटर्स में, उन पर भी एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, द मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द एजेंसी अंडर सेक्शन 5। जो अंडर सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो एजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसके पूरे मैटर्स पर ये रूल बना सकते हैं। कौन बना सकता है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां पर आपने पढ़ा, सेक्शन 25 सब क्लोज फर्स्ट पर। जो हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिएगा सेक्शन 25 पर। देखिए क्लियर दिख रहा है कि आप हमको, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए फिर इसको हम क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। हेलो, यस सर। सेक्शन 25 सब क्लोज फर्स्ट पर एक नजर डालिए। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। कौन बना सकेगी, केंद्र सरकार। और किस उद्देश्य से, जो ये अधिनियम आप पढ़ रहे हैं इसको क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, मैं सेक्शन 25 का सब सेक्शन फर्स्ट पढ़ा, सेकेंड पर एक नजर डालिए। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात कौन कौन से जो नियम यहाँ बनाने की बात की गई थी कि नियम बनाने की शक्ति किसको है, केंद्र सरकार को। कौन सा सेक्शन पढ़ा आपने, सेक्शन 25 सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सेक्शन 25 हो गया सब क्लोज, ये फर्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं के अकॉर्डिंग। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, का और खा दो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो धारा 5 के अधीन अभिकरण के गठन की रीति और अभिकरण में नियोजित व्यक्तियों की सेवा शर्तें क्या होंगी, इसके संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसको है, जल्दी से बताओ, केंद्र सरकार को। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये केंद्र सरकार, इनको नियम बनाने की पावर है। वैसे ही खामे जरा ध्यान दीजिए, कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए, ऐसे कोई भी अन्य विषय जिनको विहित किए जाने के लिए कोई प्रोसेस चल रही हो
या जिनको आवश्यक हो, या फिर ऐसे जिनको ऑलरेडी भेज किया गया। भेज का मतलब होता है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब है कहीं पर भी ऐसे रूल्स नियम बना दिए जाना इस एक्ट में या कोई अमेंडमेंट के द्वारा जिन पर ये एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर कौन इसके लिए रहेगा? जो केंद्र सरकार ऐसे निर्धारित करे। क्लियर इतना सेक्शन 25। आप सेक्शन 26 पर एक नजर डालिए। हाँ बताइए मैम। सर इसमें ये 25A में सेक्शन 5 बस की बात कर रहा है, मतलब इसमें सिर्फ 5 के तहत ही बनाया जा सकेगा नियम। जी बिल्कुल। बाकी देखिए अलग अलग जगह जहाँ क्रियान्वित करने की बात की गई थी वहाँ आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा सेक्शन 23 में। जैसे कि आप इधर आ जाइए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, लाइन पर रहिएगा प्लीज। ये देखिए यह हमने पढ़ा कि नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति किस मैटर में बनाएंगे। कहा गया कि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, मतलब इस एक्ट के जो जितने भी सेक्शन हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए कौन नियम बना सकता है? उच्च न्यायालय। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? 23 के अकॉर्डिंग। देखिए अगर हम इसको देखें ADPO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, ये सीधा सीधा सिंपल पूछा जाएगा यहाँ पर। अगर ADPO में ये सब्जेक्ट है और ADPO के जितने भी कैटेगरी के एग्जाम्स होंगे वहां पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति किस सेक्शन में, तो सीधा 23। क्या ऐसा किया जा सकता है? सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग नियम बनाने की शक्ति है किसको? नीचे ऑप्शन आ जाएगा उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी और ऐसे बना देंगे। अब यहाँ पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर ये इसको ADPO में इसका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए या इसको CGA में कहीं ऐड किया जाए इस एक्ट को, तो इसमें थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। कैसे होगा? इसमें कहा जाएगा कि राज्य क्षेत्र के भीतर विशेष न्यायालय के संबंध में, इसमें राज्य क्षेत्र के भीतर विशेष न्यायालय के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसकी है, तो वहां पर स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ेगा। या फिर उसमें सेक्शन भी ऐसा पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर या फिर ऐसा हो सकता है कि राज्य क्षेत्र के भीतर विशेष न्यायालयों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक नियम बनाए जाते हैं। नीचे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी और दो न्यायालय यहाँ से नाम दे, तो ये एक विशेष अंतर पड़ेगा। तो ये सेक्शन आपका पूरा देखा कि पूरे एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट की बात की गई। कठिनाई दूर करने के लिए किसको किया गया, जल्दी से बताओ किसको? ये लिखा है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को कोई प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। अगला फिर यहाँ नियम बनाने की शक्ति की गई, तो नियम की जो स्पेशल पावर दी गई है किससे संबंधित? केवल सेक्शन 5 से रिलेटेड। तो ये जो सेक्शन 5 से रिलेटेड है सेक्शन 25 सब क्लोज 2 के ए में। ए में क्या बताया गया है कि जो एजेंसी का गठन होगा और उसमें कौन कौन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखा जाएगा, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इनसे रिलेटेड ये इसमें रहेगा सेक्शन 25 सब क्लोज 2 का ए। और खा में क्या किया, जो और प्रेस्क्राइब कर दिए जाए केंद्र सरकार अगर नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ और इसमें मैटर्स अगर ऐड करते हैं तो उसमें भी ऐसे का और ऐड कर दिया जाए या कुछ भी ऐसे रूल्स बना दिए जाए यहाँ पे बेस का जो मैटर है तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है चलिए सेक्शन 26। सेक्शन 26 पर एक नजर डालिएगा, नियमों का रखा जाना। देखिए जरा, इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाया गया कोई नियम के बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कब हो? सत्र में, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। तो ये टाइम पीरियड को थोड़ा सा देख लीजिएगा, जब सत्र में होगी तो कितनी अवधि के लिए? 30 दिन के लिए। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 26। फिर जरा ध्यान दीजिए, वह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। अगर सत्र में नहीं है, मान लो 15 दिन सत्र में रही संसद और इसके बाद सत्र से संसद का वो हो जाता है, सत्र अवसान हो जाता है, उस कंडीशन में फिर क्या होगा, 15 डेज बीत गए तो अगली जब सत्र में आएगी तो 15 दिन के लिए फिर। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के
ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि यह नियम नहीं बनाना जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। अगर कोई नियम है और केंद्र सरकार ने बनाया है और दोनों सदन के समक्ष रखा गया और दोनों सदन अगर उस पर सहमति देते हैं तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर सहमत नहीं होते हैं तो फिर वो निष्प्रभावी हो जाएगा। किंतु अगला जरा ध्यान दीजिएगा, किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमानता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले कोई नियम बनाया गया और संसद ने उसे, संसद के जो दोनों सदन से सहमत हो गए, इसके कुछ समय बाद वो अगर असहमत होते हैं तो उसे रिमूव कर दिया गया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो निष्प्रभावी हो गया। तो पहले अगर जो कोई कार्रवाई कर दी गई है तो वो निष्प्रभावी नहीं होगी, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पहले कोई, जैसे अगर हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, उस एक्ट में अगर मान लीजिए 2018 पर एप्लीकेबल था, कोई भी लॉ था जो एप्लीकेबल था, उसके अकॉर्डिंग कोई कार्रवाई की गई और 2020 में उसे रिपील्ड कर दिया गया, तो 2018 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी उस पर केस चलाया जा रहा है या उसका कोई भी पनिशमेंट था तो बिल्कुल मिलेगा, और 2020 पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि इसमें प्रिस्क्राइब ना कर दिया गया हो कि पिछली जो कार्रवाइयां चल रही हैं 2018 से या 2017 से ये लागू हो जाए, तो बिल्कुल 2018 की कार्रवाई को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। जैसे कि क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013 का आपने देखा होगा, उसको बैक डेट से यानी भूत लगती प्रभाव से उसे एप्लीकेबल कर दिया गया, क्योंकि जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसको उन्होंने उसके अंडर लिया उस एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पर्पज ही यही था कि उनको, उन लोगों को पनिशमेंट मिल पाए जो लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं, तो उनको करने के लिए ये जरूरी किया गया था कि 2013 का भी 13 जो अमेंडमेंट किया गया था वो बैक डेट से उसको एप्लीकेबल किया। अगर ऐसा होता तो बिल्कुल इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनुसूची की, एक बार ध्यान के जो शेड्यूल थी इसमें कौन कौन से वो रखे गए थे, तो देखिए कौन कौन से मैटर्स पर ये लोग सुनवाई करेंगे। आप लोग जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पढ़ रहे हैं उनका कार्य क्या होगा, किन किन मैटर्स पर सुनेंगे, तो ये जो शेड्यूल आप देख रहे हैं और इसमें इसका जो डिस्क्रिप्शन है सेक्शन 21 चा के अकॉर्डिंग आपने देखा, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें। सबसे पहले देखिए विस्फोटक पदार्थ से संबंधित है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम से संबंधित है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से संबंधित मैटर्स हैं, ये इनकी सुनवाई कर सकते हैं। थर्ड में जरा ध्यान दीजिएगा, यान हरण निवारण अधिनियम। फोर्थ में सिविल विमान सुरक्षा विधि विरुद्ध कार दमन अधिनियम। फाइव में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अभी समय आतंकवाद से रिलेटेड है। और यहाँ पर सिक्स में सामुद्रिक नौ परिवहन और महाद्वीपीय मग्न तट भूमि पर स्थिर प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी प्रदान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध अधिनियम। पेट में देखिए निम्नलिखित के अधीन अपराध अगर होते हैं तो भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग, और इसमें चैप्टर 6 की बात की गई है, तो सेक्शन 121 से लेकर के 130 भारत सरकार के विरुद्ध, जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं। और हाँ, मैं भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 16 में धारा 370 और 370 का से रिलेटेड, भारतीय दंड संहिता की धारा 489 से 489 का से और 489 तक, जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं। आयुध अधिनियम 1959 के चैप्टर 5 की धारा जो है 25 की उपधारा 1 का इससे रिलेटेड भी कोई ऑफेंस होते हैं तो, और ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के चैप्टर 11 की धारा 66 इसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई ऑफेंस होता तो ये इनका संज्ञान ले सकते हैं और इनसे कार्रवाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये एक लिस्ट थी, आप चाहें तो आपके बैलेट में पीछे दी गई जो मैंने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड किया हुआ है। और जितनी भी जो इन्वेस्टिगेशन ये एजेंसी है और इसके द्वारा जितनी भी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पर देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
एक्ट 2008 आप पढ़ रहे थे, ये पूरा मैंने सभी इसके वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं और 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू डिस्को किया गया। तो आप लोग इनको देखिए, पढ़िए, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बताइएगा। आप अगर अभी नहीं पूछ पाए तो आप व्हाट्सएप पर भी मुझे भेज सकते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रहिए, मैं बस 2 मिनट में आपको फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ या फिर आप लाइन पर भी रह सकते हैं।